जय श्री महाकाल। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं हम आपके अपने परिवार अकाउंटिंग गुरु में। तो बेटा जी, आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, देखो आप यहाँ पर बिजनेस लॉ में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पढ़ रहे हो, और जब आप अकाउंट पढ़ोगे मेरे से तो वहाँ पे भी हम लोग इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से रिलेटेड ही सवाल कराएंगे। यानी यहाँ पे हम आपको थ्योरेटिकल पोर्शन कवर करेंगे और साथ ही साथ आपका अकाउंट वाला प्रैक्टिकल पोर्शन भी क्या करेंगे बाबू, हम लोग यहीं पे कवर कराएंगे आपको, ठीक है। तो इससे ये होगा कि आपका बिजनेस लॉ भी तैयार हो जाएगा और आपका जो अकाउंट वाला पोर्शन है पार्टनरशिप, वो भी यही हाथों हाथ क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो जब आप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की बात करते हो तो आपको इस एक्ट में, रुक देना, आपको इस एक्ट में तीन यूनिट पढ़नी है। आपको इस एक्ट में बेटा कितना यूनिट पढ़नी है, तीन यूनिट पढ़नी है। जरा मेरे साथ नोट कर लीजिएगा, जरा सभी लोग मेरे साथ नोट करेंगे। अगर नोट लिखेंगे यूनिट वन, तो यूनिट वन में हम लोगों को क्या पढ़ना है बेटा, यूनिट वन में हमें पढ़ना है जर्नल। लिखेंगे मेरे साथ जर्नल नेचर ऑफ पार्टनरशिप, जर्नल नेचर ऑफ पार्टनरशिप, ये हमारा पहला यूनिट है। फिर हम अपने दूसरे यूनिट की बात करते हैं, तो दूसरे यूनिट में क्या पढ़ेंगे भाई हम, क्या था दूसरा यूनिट, था हमारा रिलेशन ऑफ पार्टनर, रिलेशन ऑफ पार्टनर। और बेटा तीसरा यूनिट है हमारा रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। तो यानी ये तीन यूनिट जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो आप कहेंगे कि सर हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले अपना पहला यूनिट डिस्कस करने जा रहे हैं, और पहला यूनिट हमारा क्या है, जर्नल नेचर ऑफ पार्टनरशिप। तो बेटा सभी लोग अपने अपनी कॉपी में लिख लीजिए जर्नल नेचर ऑफ पार्टनरशिप। तो जब भी आप जर्नल नेचर ऑफ पार्टनरशिप की बात करोगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा भाई, आपकी मॉड्यूल अपने, अगर आपके पास मॉड्यूल है तो आप सभी लोग उसे ऑन कर लेंगे, ओपन कर लेंगे, और अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से देख लीजिए। जब आप जैसे ही यूनिट वन की बात करोगे तो यूनिट वन में देखो आपको क्या क्या पढ़ना है बेटे। यूनिट वन में सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट क्या होता है और उससे रिलेटेड आपके इसेंशियल क्या होते हैं, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ द पार्टनरशिप एंड क्लियर अबाउट द इसेंशियल। इसेंशियल का मतलब यहाँ पे फीचर से है। साथ ही साथ आप यहाँ पे प्रिंसिपल और एजेंट के रिलेशन को आपको समझना होगा, और प्रिंसिपल और एजेंट के रिलेशन के साथ साथ आपको डिफरेंस समझना होगा रिलेटेड टू द पार्टनरशिप विद द अदर वेरियस फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब अदर वेरियस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है सोल ट्रेडर से है, को ऑर्गेनाइजेशन से है, कंपनी से है, और HUF से है। अभी वन बाय वन हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, तो आपको इसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये तीन टॉपिक, ये तीन पॉइंट आपको इस जर्नल नेचर ऑफ पार्टनरशिप में क्या करना है, पढ़ना है। तो देखो एक छोटा सा डायग्राम आपके सामने दिया गया है, यानी ओवरऑल इस पूरे चैप्टर का लेखा जोखा इसी डायग्राम में रख दिया गया है। यानी सबसे पहले जर्नल नेचर ऑफ पार्टनरशिप में आपसे पहला इस सवाल पूछा जाएगा, व्हाट इज द पार्टनरशिप, यानी पार्टनरशिप होती क्या है। और इस पार्टनरशिप को समझने के साथ साथ हमें दो चीज़ें और समझनी हैं, एक तो इसके इसेंशियल एलिमेंट को समझना है
दूसरा आपका ट्रू ट्रस्ट ऑफ पार्टनरशिप को समझना है हमें, क्या समझना है, ट्रू ट्रस्ट ऑफ द पार्टनरशिप को समझना है। फिर उसके बाद जैसे डिफरेंस फॉर्म की अगर हम बात कर रहे थे, तो डिफरेंस फॉर्म में मैंने आपको बताया था कि कंपनी हो गया, क्लब हो गया, HUF हो गया, को ऑनरशिप हो गया और एसोसिएशन हो गया। और साथ ही साथ एक और टॉपिक जिसे आप कहेंगे टाइप ऑफ द पार्टनर, ठीक है। तो ये आपका ये डायग्राम जो आपकी स्क्रीन पे है, इस डायग्राम को आप अपनी अपनी कॉपी में बना लीजिए, एज इट इज़ बना लीजिए, कोई चेंजेस आपको इसमें करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए फिर, तो अब सबसे पहले हमको समझना है कि पार्टनरशिप होती क्या है। डायग्राम सबका बन गया है भाई, तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल दीजिए बेटा, व्हाट इज़ द पार्टनरशिप, पार्टनरशिप होती क्या है। देखो, आप क्लास 12th अभी अभी पास आउट करके आए हो और आप लोगों ने पार्टनरशिप में लगभग 2 से 2.5 महीना बिताया ही होगा, जिसमें आप लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, मैं क्लास 12th का थोड़ा सा प्रेफरेंस ले रहा हूँ, जिसमें आप लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, गुडविल, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, इन सब चैप्टर को आप लोगों ने क्या किया था, समझा था। क्या मैं सही कह रहा हूँ बेटा, क्या मैं सही कह रहा हूँ? तो इतनी चीज़ें आप ऑलरेडी क्या कर चुके थे, क्लास 12th में थोड़ा थोड़ा पढ़ के आए हो। अब आपको याद है कि नहीं याद है, आपको याद है कि नहीं याद है डजंट मैटर, लेकिन अब हम उसको क्या करेंगे, वन बाई वन पूरा याद आपको करवाएंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल दीजिए बेटा, व्हाट इज द पार्टनरशिप। तो जब भी आप पार्टनरशिप की बात करोगे, तो पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन दी गई है सेम एज इट इज जो आप लोगों ने क्लास 12th में पढ़ा था, यानी सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। और इसमें पार्टनरशिप के बारे में बोला क्या गया है, इसमें पार्टनरशिप के बारे में बोला गया है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन, ध्यान देंगे, क्या बोला गया है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन हु हैव द एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरीड बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है बेटा कि जो पार्टनरशिप होती है वो रिलेशन होता है, और रिलेशन कैसा रिलेशन, कि भाई इस रिलेशन के थ्रू दो लोग मिलते हैं, दो या दो से अधिक लोग मिलते हैं, जो बिजनेस करते हैं और बिजनेस करने के बाद जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को आपस में बांट लेते हैं, और बिजनेस का जो रनिंग ऑपरेशन होता है या तो वो सारे मिलकर करते हैं या फिर कोई एक करता है, ठीक है, या तो सारे मिलकर करते हैं या तो कोई एक करता है। इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया गया है सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। अब इसको याद रखने के लिए मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बना दे रहा हूँ, उसी डायग्राम के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, अपने इस पार्टनरशिप वाले डेफिनेशन को क्या करेंगे बाबू, याद रखेंगे। चलिए डायग्राम देखते हैं, तो डायग्राम के लिए मैं एक दूसरी स्लाइड ले लेता हूँ और देखेंगे, जैसे डायग्राम बना रहा हूँ वैसे डायग्राम आप लोग बना लीजिए। देखिए डायग्राम बनाइए मेरे साथ, देखिए डेफिनेशन क्या थी कि पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन द टू और अ मोर पर्सन। तो मैंने यहाँ पे दो लोगों को बना दिया। अच्छा, ये जो दो और दो से अधिक लोग आ रहे हैं इनके बीच में ये जो रिलेशन एस्टैब्लिश हो रहा है, ये रिलेशन एस्टैब्लिश होगा तो होगा कैसे, ये रिलेशन एस्टैब्लिश होगा आपके एग्रीमेंट के थ्रू। ये रिलेशन कैसे एस्टैब्लिश होगा, एग्रीमेंट के थ्रू। मतलब क्या है इसका, इसका मतलब ये होता है बेटा, जब पार्टनर किसी को, आप किसी का पार्टनर कैसे कहोगे, ध्यान से सुनिए, किसी को आप किसी का पार्टनर कैसे कह सकते हो भाई, उनके बीच में एक रिलेशन होना चाहिए ना, तो वो रिलेशन एस्टैब्लिश होगा तो होगा कैसे, वो रिलेशन एस्टैब्लिश होगा आपके किससे, एग्रीमेंट के थ्रू। वो रिलेशन कैसे एस्टैब्लिश होगा आपके, एग्रीमेंट के थ्रू। इज दैट क्लियर। अब सवाल ये उठता है कि सर एग्रीमेंट क्या होता है, तो बेटा एग्रीमेंट का मतलब होता है टर्म्स एंड कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन। और ये टर्म्स और कंडीशन किससे रिलेटेड,
भाई टर्म्स और कंडीशन आपके ऑपरेशनल एक्टिविटी से रिलेटेड। आपको बिजनेस चलाना है ना, आपको क्या चलाना है, बिजनेस चलाना है, तो बिजनेस चलाने के लिए कुछ रूल और रेगुलेशन को आप सहारा लेंगे कि नहीं लेंगे। भाई टर्म्स का मतलब क्या होता है, नियम और शर्त ना, तो व्यापार करने का नियम और शर्त इज कॉल्ड द एग्रीमेंट। और इसी एग्रीमेंट में हम, अच्छा एक बात बताइए, ये एग्रीमेंट हम कर क्यों रहे हैं? अब आप कहोगे सर ये एग्रीमेंट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको क्या करना है, एक बिजनेस रन करना है। अब सवाल ये उठता है सर कौन सा बिजनेस रन करना है, सवाल ये उठता है कि कौन सा बिजनेस रन करना है। तो बेटा कौन सा बिजनेस आप रन करेंगे, वैलिड बिजनेस रन करेंगे या फिर इनलीगल बिजनेस रन करेंगे आप? वैलिड या ना, यानी लीगल बिजनेस, ठीक है। और इस बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, सवाल ये उठता है, ध्यान दीजिएगा, इस बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? तो इस बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होगा अर्न प्रॉफिट, अर्न प्रॉफिट। ये ऑब्जेक्टिव समझ में आ रहा है, अर्न प्रॉफिट। आगे देखेंगे, अब जब एक बार प्रॉफिट को अर्न कर लिया जाएगा तो उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, उस प्रॉफिट को क्या किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाएगा भाई, उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, पहले तो ये सवाल उठता है कि ये डिस्ट्रीब्यूट किसको किया जाएगा। तो सर ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा बिटवीन ऑल पार्टनर, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा किसको बेटा, ऑल पार्टनर। और कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, एज पर द एग्रीमेंट। ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा आपका, एज पर द एग्रीमेंट, ठीक है। कैसे, तो देखो एक नंबर का सवाल यहाँ पे पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में, एक नंबर का सवाल यहाँ से पूछा जाता है कि जरा बताइए हाउ द प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर। अब प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो ऑप्शन आपके सामने रहेगा इक्वली, आपके सामने ऑप्शन रहेगा कोई रेशियो दे देगा, या आपके सामने एक और ऑप्शन दे देगा पार्टनरशिप डीड दे देगा। अब आप कहोगे सर ये पार्टनरशिप डीड क्या होती है, बेटा एग्रीमेंट का एक और नाम होता है जिसे हम कहते हैं क्या, पार्टनरशिप डीड भी कहते हैं इसको हम लोग, क्या कहते हैं बेटा, पार्टनरशिप डीड भी कहते हैं। और एग्रीमेंट आप पढ़ के आ रहे हो, आप अभी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ के आ रहे हो ना, उसमें आपने अच्छे से पढ़ा है कि व्हाट इज द एग्रीमेंट, प्रॉमिस एंड सेट ऑफ द प्रॉमिस, प्रॉमिस एंड सेट ऑफ द प्रॉमिस, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था आप लोगों ने, ठीक है। तो ये चीजें जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, जब आप प्रॉफिट को क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो सवाल ये उठता है कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो इसका आंसर क्या मिला आपको कि सर एज पर द पार्टनरशिप डीड हम इसको क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इतनी बातें समझ में आ गई। अब एक चीज और यहाँ पे आपको समझनी है कि जब बिजनेस के ऑपरेशनल एक्टिविटी की बात की जाएगी, यानी बिजनेस को चलाएगा कौन, ऑपरेशनल एक्टिविटी, तो ऑपरेशनल एक्टिविटी कौन चलाएगा भाई, बिजनेस को चलाएगा कौन, या तो ऑल पार्टनर, या तो आपके क्या ऑल पार्टनर, या फिर एक्टिंग वन पार्टनर, एक्टिंग वन पार्टनर ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल पार्टनर, ऑन द बिहाफ ऑफ ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल पार्टनर, ठीक है बेटा समझ में आ गया। तो अब देखिए इस छोटे से डायग्राम में आपके दो टॉपिक कवर हो चुके हैं, एक तो आपकी डेफिनेशन कवर हो गई और दूसरा आपका क्या कवर हो गया, फीचर भी कवर हो गया है। अभी कैसे, अभी वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। इसको नोट करिए जल्दी से, आई आई सुनो सुनो तो निकाल के पूरी सब्जी दाल चावल नोट डाउन करिए बेटा जल्दी से, उस साइड देखो।
जल्दी से नोट करेंगे इसको। बन गया डायग्राम, जल्दी से बनाएंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब फिर से लौट आते हैं हम आपकी डेफिनेशन पे। ये डायग्राम आपको समझ में आ गया क्या था डायग्राम, जहाँ पे हाँ क्या था, टू आर अ मोर पर्सन। आपका डेफिनेशन देखिए ज़रा क्या लिखा है, देखेंगे। कहता है कि पार्टनरशिप इज़ अ रिलेशन बिटवीन अ टू पर्सन हु हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिंग बाई ऑल और एक्ट और एनी ऑफ एक्टिंग फॉर द ऑल। डेफिनेशन क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई? क्लियर हो गई। चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं। तो अब दूसरा पॉइंट ज़रा देखिए इसमें क्या लिखा है, कहता क्या है ज़रा देखेंगे बेटा। देखिए ज़रा, कहता है पर्सन हु हैव इंटर इनटू द पार्टनरशिप विथ वन अनदर इज कॉल्ड द इंडिविजुअल पार्टनर एंड कलेक्टिव ऑफ द फर्म। मतलब क्या है इसका, जब आप एक पर्सन की बात करोगे तो आप उसको कहोगे पार्टनर। जब आप एक सिंगल पर्सन की बात कर रहे हो, जैसे मान लीजिए राम श्याम मोहन, तो अगर आप राम की बात करोगे तो राम इज़ द पार्टनर, मोहन की बात करोगे मोहन इज़ द पार्टनर, श्याम की बात करोगे इज़ द पार्टनर। बट इन केस ऑफ राम श्याम मोहन, जब आप सबकी बात करोगे तो बेटा इसी को हम कहेंगे पार्टनरशिप फर्म कहेंगे। क्या कहेंगे हम? पार्टनरशिप फर्म कहेंगे। तो एक नंबर का सवाल यहां से भी बन के आता है कि कलेक्शन ऑफ पार्टनर इज कॉल्ड, लिख लीजिएगा स्टार देके, स्टार देके लिख लीजिएगा, कलेक्शन ऑफ पार्टनर, कलेक्शन ऑफ पार्टनर इज कॉल्ड पार्टनरशिप फर्म। कलेक्शन ऑफ द पार्टनर इज कॉल्ड पार्टनरशिप फर्म। स्टार देके लिख लिया सभी लोगों ने, डेफिनेशन लिख लिया, डायग्राम भी लिख बना लिया सभी लोगों ने। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये सेक्शन फोर में तो आप किसी को कोई समस्या नहीं है ना, इस पांच लाइनों में किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला हेडिंग डालिए बेटा, एलिमेंट ऑफ द पार्टनरशिप, एलिमेंट ऑफ द पार्टनरशिप। अब ये कहता है, अच्छा एलिमेंट का मतलब क्या होता है? एलिमेंट का मतलब होता है कि भाई एक ऐसा पर्टिकुलर पोर्शन जिसके बिना ये काम नहीं हो सकता। जैसे सपोज करिए अगर हम आपके एलिमेंट की बात करें कि आपकी बॉडी में कितने एलिमेंट हैं, तो आप कहोगे कि सर हमारी बॉडी में 5 एलिमेंट हैं, है ना? सही है कि गलत है? सही है, अग्नि वायु आकाश धरती और जल, यही 5 एलिमेंट हैं आपके। ठीक उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार जब आप पार्टनरशिप की बात करते हैं, जब आप किसकी बात करते हैं, पार्टनरशिप की बात करते हैं, तो पार्टनरशिप में आपके कितने एलिमेंट होते हैं? पहला देखिए ज़रा बेटा, कहता है कि पार्टनरशिप इज़ अ एसोसिएशन ऑफ टू और अ मोर पर्सन। ये पहला एलिमेंट है, ये आपका क्या है? पहला एलिमेंट है। आधा घंटा रुक जाइए, मैं स्टार्ट। ठीक है, पार्टनरशिप में क्या है बेटा कि पार्टनरशिप इज द एसोसिएशन ऑफ अ टू और अ मोर पर्सन, ये हमारा पहला एलिमेंट है। दूसरा एलिमेंट क्या है? कहता है कि पार्टनरशिप इज मस्ट, क्या लिखा है? पार्टनरशिप मस्ट बी रिजल्ट ऑफ द एग्रीमेंट इंटर्ड इनटू बाय ऑल द पर्सन कॉन्केयर्ड। मतलब दूसरा एलिमेंट क्या है आपका? दूसरा एलिमेंट है बेटा एग्रीमेंट। दूसरा एलिमेंट क्या है आपका? एग्रीमेंट। विदाउट एग्रीमेंट कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का पार्टनर नहीं बनेगा, ये जानिए। पहला एलिमेंट क्या था? टू और अ मोर पर्सन। दूसरा एलिमेंट क्या है बेटा? एग्रीमेंट। अब तीसरा एलिमेंट क्या है बेटा? देखा जाए तो तीसरा एलिमेंट हमारा बिजनेस है। तीसरा एलिमेंट हमारा क्या है आपका? बिजनेस है। और बिजनेस का मतलब क्या है? देखो क्या लिखा है कि पार्टनरशिप इज ऑर्गेनाइज टू कैरी ऑन द सम बिजनेस। तो हमारा तीसरा एलिमेंट क्या है आपका? बिजनेस है। फिर चौथा एलिमेंट क्या है?
इस बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, आपका प्रॉफिट। यानी ये हमारा चौथा एलिमेंट है कि बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है भाई। आपने कहा कि सर रिसीविंग द प्रॉफिट, अर्निंग द प्रॉफिट। दिस और फिर लास्ट क्या है बेटा एलिमेंट, देखिए लास्ट एलिमेंट कहता है कि बिजनेस मस्ट बी कैरीड बाई ए बाई ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब क्या है, बिजनेस सबके द्वारा चलाया जा रहा है या किसी एक के द्वारा चलाया जा रहा है। तो अगर आपसे किसी ने, अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है एक्सप्लेन द एलिमेंट ऑफ द बिजनेस, एक्सप्लेन द एलिमेंट ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस, तो ये पांच एलिमेंट आपको याद हो गए कि नहीं याद हो गए? पांच एलिमेंट याद हो गए, एक लाइन से लिख लीजिए जरा। आप लोगों, आप ये डायग्राम बना रहे हो तो अच्छी बात है, डायग्राम बना रहे हो ना, बना ही लो। ठीक है, पहला एलिमेंट लिख लीजिएगा, यहाँ छोटा छोटा मैं आपको लिखा दे रहा हूँ। ठीक है, पहला एलिमेंट लिखिए बेटा, टू और अ मोर पर्सन, टू और मोर पर्सन। ठीक है, दूसरा एलिमेंट क्या है हमारा, एग्रीमेंट। ठीक है, तीसरा एलिमेंट क्या है बेटा, बिजनेस। चौथा एलिमेंट क्या है, अर्निंग एंड शेयरिंग द प्रॉफिट, शेयरिंग द प्रॉफिट। भाई जब तक आप अर्न नहीं करोगे तो शेयर कहाँ से करोगे भैया? और लास्ट क्या है आपका, कैरिंग बिजनेस, कैरिंग बिजनेस बाई ऑल और एनी वन। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये पांचों एलिमेंट अभी हम लोग वन बाय वन पूरा का पूरा क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। लिख लिया सब लोगों ने, डायग्राम बना लीजिएगा और ये छोटे छोटे पॉइंट जो हैं वो आप लिख लीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू से शुरू करते हैं अब फिर से एलिमेंट को। सबसे पहला हमारा एलिमेंट जो कि आपकी स्क्रीन पे है, और वो क्या है, एसोसिएशन ऑफ द टू और अ मोर पर्सन। देखो जब आप पार्टनरशिप की बात करोगे, जब आप किसकी बात करोगे बेटा, पार्टनरशिप की बात करोगे, तो पार्टनरशिप में ये कह रहा है कि भाई कम से कम कितने लोग होने चाहिए, दो लोग होने चाहिए। लेकिन वो ज़्यादा की बात ही नहीं कर रहा है, वो किसकी बात नहीं कर रहा है, ज़्यादा की बात ही नहीं कर रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर की बात ही नहीं करता। ध्यान से सुनिएगा, एक नंबर का सवाल आएगा क्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ द पार्टनर अकॉर्डिंग टू विच एक्ट, अकॉर्डिंग टू विच एक्ट, यानी अधिकतम कितने पार्टनर होंगे आपकी पार्टनरशिप फर्म में, इसको बताने वाला अधिनियम कौन सा है। आपके सामने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट रहेगा, कंपनी एक्ट रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रहेगा, या फिर कोई और दे दे, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि सर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ वो एक्ट कौन रहेगा बेटा, इन कंपनी एक्ट 2013 पुट द लिमिट ऑफ 50 पार्टनर इन एनी एसोसिएशन और अ पार्टनरशिप फर्म। यानी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर की जब भी बात की जाएगी, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने हैं हमारे, 50 हैं। और ये कहाँ पे एक्सप्लेन है, ये एक्सप्लेन है आपका इंडियन कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 464 में, सेक्शन 464 में। तो स्टार देके आप ये जरूर लिखिएगा, आपने मिनिमम लिखा, मैक्सिमम लिखा, और मैक्सिमम के आगे ब्रैकेट में लिखिएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन, मैक्सिमम के आगे 50 लिखने के बाद, 50 लिखने के बाद ब्रैकेट ऑन करिए, ब्रैकेट ऑन करिए, कर लिया, चलिए लिखिए जल्दी से, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 464 ऑफ कंपनी एक्ट, 464 ऑफ कंपनी एक्ट 2013
क्या लिखा आपने? हाँ लिखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ अ पार्टनर, मैक्सिमम नंबर ऑफ द पार्टनर इन एनी फर्म और एसोसिएशन इज 50. इन एनी एसोसिएशन और पार्टनरशिप फर्म इज 50. इज दैट क्लियर बेटे? तो ये छोटे छोटे पॉइंट आप लिखिए, क्योंकि इसमें से एमसीक्यू आएगा. समझ में आ रहा है? चलिए फिर अब फटाफट आगे पढ़ लेते हैं, इस पैराग्राफ को देख लेते हैं. कहता है, देखिए क्या लिखा है. कहता है, पार्टनरशिप इज द एसोसिएशन ऑफ द टू और अ मोर पर्सन. अगेन, ओनली पर्सन रिकॉग्नाइज बाई द लॉ कैन इंटर इन टू द एग्रीमेंट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. देयर फोर अ फर्म, सिंस इट इज द नॉट अ पर्सन रिकॉग्नाइज इन द आईस ऑफ द लॉ, कैन नॉट बी द पार्टनर. मतलब जब तक आप एग्रीमेंट नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब तक आप एग्रीमेंट नहीं करेंगे तब तक आप लॉ की आइस में कोई भी पार्टनर नहीं माने जाएंगे. आगे लिखा है, ये वाला देखिए. कहता, अगेन अ माइनर कैन नॉट अ पार्टनर ऑफ द फर्म, बट विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर मे बी एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप. मतलब क्या है इसका, ध्यान दीजिएगा. इसका मतलब ये है कि जब आप जर्नल कंडीशन की बात करते हैं, तो जर्नल कंडीशन में हम किसी भी माइनर को अपना पार्टनर नहीं मानेंगे. ध्यान दीजिएगा, जर्नल कंडीशन में हम किसी भी माइनर को अपना पार्टनर नहीं मानेंगे. बस एक मिनट रुकिए. चलो बेटा ध्यान देंगे. तो आपने क्या देखा, अब स्टार देके यहाँ पे फिर से लिखिए. अब माइनर स्टार देके लिखिए, सभी लोग लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए, आपका नोट्स भी तैयार हो जाएगा. आपको यही लिखना है, अ माइनर कैन नॉट एडमिटेड एज अ पार्टनर. अ माइनर इज नॉट एडमिटेड एज अ पार्टनर, एज अ पार्टनर, बट with the consent of all partner, but with the consent of all the partner, consent of the all the partner, he may be admitted only for the profit. He may be admitted only for the profit. इसका मतलब क्या है भाई? इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि देखो, जर्नल कंडीशन ये कहती है कि 18 साल से कम हो तो आप पार्टनर नहीं बनोगे. लेकिन जहाँ पे राम श्याम मोहन तीन पार्टनर थे, मान लीजिए एग्री हो गए किसी 18 साल के कम से कम बच्चे को अपना पार्टनर बनाने के लिए, तो वो बना तो लेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? प्रॉफिट के लिए. मतलब अगर फर्म में कोई लॉस हो जाता है तो उस पार्टनर से, मतलब उस माइनर पार्टनर से लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप नहीं लेंगे. मतलब लॉस, आप उस लॉस का पैसा उस माइनर से आप नहीं मांगेंगे. जैसे सपोज करिए कि आप और एक छोटा सा लड़का आपके साथ गया आइसक्रीम खाने के लिए, ठीक है. आपकी एज मान लीजिए 17-18 साल है, एक मिनट के लिए मान लीजिए 18 साल है, और एक अभी 6 साल का लड़का आपके साथ गया आइसक्रीम खाने के लिए. आपने भी आइसक्रीम खाई और उस छोटे से बच्चे को भी आपने आइसक्रीम खिलाई. पैसा कौन देगा, आप देंगे या वो छोटा सा बच्चा देगा? आपको देना पड़ेगा. आप ये नहीं कह सकते हैं, छोटू अपन हिस्से का आइसक्रीम का पैसा दिया. आप ये नहीं कह सकते. क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये अनइथिकल है. ये आपका क्या है? अनइथिकल है. तो जो माइनर पार्टनर है वो जर्नल कंडीशन में पार्टनर नहीं बनेगा. जब आप यूनिट 2 पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे रिलेशन ऑफ पार्टनर पढ़ाया जाएगा. तो
रिलेशन ऑफ पार्टनर में माइनर वाला भी पोर्शन कवर किया गया है, तो वहां पे और डिटेल में हम इसको क्या करेंगे, समझेंगे। बातें समझ में आ गई इतनी? चलिए फिर, अब ये पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। अब बेटा दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। देखो दूसरा पॉइंट क्या है हमारा बेटा, एग्रीमेंट। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट में मैंने अभी अभी आपको बताया था कि एग्रीमेंट मींस टर्म्स एंड कंडीशन, एग्रीमेंट मींस टर्म्स एंड द कंडीशन फॉर बिजनेस। पढ़िए क्या लिखा है, कहता है इट मे बी एब्जॉर्ब बाय द पार्टनरशिप। पढ़िए जरा मेरे साथ, कहता है इट मे बी एब्जॉर्ब बाय द पार्टनरशिप मस्ट बी रिजल्ट ऑफ द एग्रीमेंट बिटवीन टू और अ मोर पर्सन। देयर मस्ट बी द एग्रीमेंट इंटर इनटू बाय ऑल द पर्सन द एलिमेंट रिलेटेड टू द वॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर ऑफ द पार्टनरशिप। मतलब क्या है इसका, इसका मतलब ये है, देखो आपने भी एक शब्द पढ़ा था जब आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे थे, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि द पर्सन हु गिव द ऑफर इज कॉल्ड द ऑफरर, द पर्सन टू होम द ऑफर इज कॉल्ड द ऑफरी, और दोनों के बीच में कंसर्न क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए ना, जिसमें आपने सेक्शन 15, 16, 17, 18, 19 को देखा था, सही है। तो यहाँ पे भी शब्द यही कह रहा है कि जब आप एग्रीमेंट में इंटर करेंगे तो आपका जो इंटरिंग पॉइंट रहेगा, इंटरिंग फेस रहेगा, वो वॉलेंट्री रहेगा। वॉलेंट्री का मतलब ये है कि आप अपनी स्वेच्छा से उस एग्रीमेंट का पार्ट बन रहे हैं, उस बिजनेस का क्या बन रहे हैं, आप पार्ट बन रहे हैं, यानी आप पर किसी भी, कोई भी आपके ऊपर दबाव नहीं डाल रहा है। बातें इतनी समझ में आ गई, यही पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि दिस एलिमेंट रिलेटेड टू द वॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर ऑफ द पार्टनरशिप। और आगे क्या कहता है, दस द नेचर ऑफ द पार्टनरशिप इज द वॉलेंट्रियल एंड द कॉन्ट्रैक्चुअल। स्टार देके ये जरूर लिखिएगा क्योंकि एग्जाम में इस तरीके का फिल इन द ब्लैंक्स भी कभी कभी आ सकता है। लिखिएगा पहले हेडिंग डाल दीजिए एग्रीमेंट, लिखिए एग्रीमेंट मींस टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द बिजनेस। एग्रीमेंट मींस टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द बिजनेस, बहुत जल्दी से लिखेंगे। लिखिए विदाउट एग्रीमेंट नो पर्सन इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ पार्टनर ऑफ द फर्म। फिर आगे लिखेंगे, दूसरा पॉइंट लिखिए, there must be agreement entered into by all the person full stop, this element related to voluntary contractual nature of partnership। बस फुल स्टॉप, पॉइंट समझ में आ गया। फिर स्टार देके तीसरा पॉइंट लिखिए, एग्रीमेंट मे बी क्लासिफाइड इन टू पार्ट।
पहला लिखिए ओरल और दूसरा लिखिए रिटन, पहला लिखिए ओरल और दूसरा लिखिए रिटन, ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर आपसे किसी ने पूछा कि एग्रीमेंट कितने तरीके का होता है, तो आप क्या आंसर देंगे? तो दो तरीके का होता है, एक होता है आपका ओरल और दूसरा क्या होता है हमारा रिटन। पॉइंट क्लियर हो गया बेटा, पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए अब हम अपने तीसरे पोर्शन की तरफ चलते हैं, और हमारा तीसरा पोर्शन क्या कहलाता है आपका देखेंगे। तीसरा पोर्शन हमारा कहलाता है बिजनेस। लिखिए ज़रा, हेडिंग डालिए बिजनेस। अच्छा, किसी ने पूछा व्हाट इज़ द बिजनेस, बिजनेस क्या है, तो आप कहोगे कि सम लीगल ट्रेडिंग एक्टिविटी। सम लीगल, ये शब्द मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, लीगल कारण ये है कि अगर आप इनलीगल वाला कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इनलीगल वाला एग्रीमेंट करेंगे, तो वो आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में कवर नहीं होगा। जैसे सपोज करिए आपकी क्लास में एक लड़का है जिसका नाम है सुमित, और आप ही की क्लास में एक और लड़का है जिसका नाम है जिशान। अब सुमित ने ऑफर दिया जिशान को कि चलो यार गोपाल को किडनैप कर लिया जाए, तो इन्होंने ये ऑफर दिया, उन्होंने वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, बट किडनैपिंग इज द फॉरबिटेड इन द आईज ऑफ द लॉ ना, है बिहार नहीं है ये यूपी है, यूपी में घर गिर जाएगा, है बिहार की बात अलग है, ठीक है। तो अब इनके बीच में जैसे सपोज करिए सब कुछ अच्छा हो गया, उन्होंने किडनैप भी कर लिया, पैसा भी आ गया, लेकिन जब पैसे के डिस्ट्रीब्यूशन की बात आई तो पैसा मान लीजिए सुमित के पास था और सुमित लेकर भाग गए, तो क्या जिशान पुलिस में जाके ये कंप्लेन करेंगे कि माय लॉर्ड मेरे साथ बेवफाई हो गई है, माय लॉर्ड मेरे साथ गद्दारी हो गई है? नहीं होगा ना। और अगर ये ऐसा किए भी तो सबसे पहले यही नपेंगे, सही है कि नहीं है, सबसे पहले यही नपेंगे। यानी बिजनेस आप जो करिए वो लीगल बिजनेस करिए, इन लीगल बिजनेस का कोई यहाँ पे महत्व नहीं है। पढ़िए जरा क्या लिखा है, कहता है कि वी विल कंसीडर द टू प्रोपोर्शन। पहला कहता है देयर मस्ट एग्जिस्ट ऑफ द बिजनेस, पहला कहता है कि देयर मस्ट एग्जिस्ट ऑफ द बिजनेस फॉर ऑल द पर्पस द टर्म्स ऑफ द बिजनेस इंक्लूडिंग एवरी ट्रेड ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। देखो यहाँ पे तीन चीजों को रखा गया है, पहला शब्द क्या है ट्रेड, दूसरा शब्द क्या है ऑक्यूपेशन, तीसरा शब्द क्या है प्रोफेशन। क्या डिफरेंस है यार, पता है सबको, किसी को पता है डिफरेंस, व्हाट इज द ट्रेड, व्हाट इज द ऑक्यूपेशन, व्हाट इज द प्रोफेशन? अगर आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मेरे ख्याल से अगर आप बीकॉम में हैं सारे ना, तो बीकॉम के पहले ही सेमेस्टर में पहला ही चैप्टर जिसका नाम है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पहला ही चैप्टर है, इसमें इन तीनों के डिफरेंस को एक्सप्लेन किया गया है, डिफरेंस बिटवीन द ट्रेड ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। आई रिक्वेस्ट टू ऑल वहां से जाके पढ़िए, अगर मैं ये पढ़ाने लगा तो ये छूट जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आपको पढ़ना ही है तो अकाउंटिंग गुरु पे प्लेलिस्ट बनी है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, वहां से आप चैप्टर वन का दूसरा लेक्चर पढ़ लीजिए, वहाँ पे मैंने ये डिफरेंस बताया है। लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ, ट्रेड का मतलब होता है जिसमें हम ट्रेडिंग एक्टिविटी करते हैं, यानी कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी नहीं होती है। ऑक्यूपेशन में क्या होता है कि हम मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज ट्रेडिंग एक्टिविटी दोनों करते हैं, और प्रोफेशन में हम ना तो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ना ट्रेडिंग करते हैं, बस प्रोवाइडिंग सम सर्विसेस, प्रोवाइडिंग सम सर्विसेस, जस्ट लाइक मी आई एम अ टीचर एंड मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये मेरी सर्विस है, आगे देखेंगे। तो सबसे पहला पोर्शन क्या कहलाता है बेटा, कि भैया बिजनेस क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए। सबसे पहला पोर्शन यही कहता है कि बिजनेस क्या होना चाहिए बेटा, एग्जिस्ट होना चाहिए। और दूसरा कि बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव है, बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या होना चाहिए, अर्निंग द प्रॉफिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अर्निंग द प्रॉफिट होना चाहिए। तो इस बिजनेस में आपको दो पॉइंट पढ़ने हैं, इस बिजनेस में आपको कितने पॉइंट पढ़ने हैं, दो पॉइंट। पहला पोर्शन क्या है कि देयर मस्ट बी एग्जिस्टेंस ऑफ द बिजनेस,
और दूसरा क्या कहता है, द एग्जिस्टेंस बिजनेस इज अ एसेंशियल टू जनरेट द प्रॉफिट, टू अर्न द प्रॉफिट। ठीक है, लिखिए जरा जल्दी से, लिखिए हेडिंग डालिए बिजनेस, लिखिए एज पर पार्टनरशिप, लिखिए एज पर पार्टनरशिप बिजनेस एलिमेंट, बिजनेस एलिमेंट कंसीडर टू प्रपोर्शन, कंसीडर टू प्रपोर्शन एलिमेंट, कंसीडर टू प्रपोर्शन। पहला लिखिए, नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा एग्जिस्टेंस ऑफ द बिजनेस। पहला पॉइंट क्या है बेटा, एग्जिस्टेंस ऑफ द बिजनेस, और दूसरा लिखिए द एग्जिस्टेड बिजनेस, या द एग्जिस्टेड बिजनेस अर्निंग प्रॉफिट, या द एग्जिस्टेड बिजनेस अर्निंग प्रॉफिट, फुल स्टॉप। अब पैराग्राफ चेंज करिए, लिखिए द एग्जिस्टेड बिजनेस मे बी, द एग्जिस्टेड बिजनेस मे बी ट्रेड कॉमा ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन, एंड प्रोफेशन। ठीक, समझ में आ गया बेटा। बस चलिए अब चौथे एलिमेंट की तरफ चलते हैं, और चौथा एलिमेंट क्या है हमारा, शेयर ऑफ द प्रॉफिट। हेडिंग डालिए एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट, एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट। इस व्यक्ति को देख रहे हैं आप, इस व्यक्ति के साथ साथ यहां पर भी एक व्यक्ति है, यहां पर भी एक व्यक्ति बैठा है, और यहां पर भी एक व्यक्ति बैठा है। तो भाई प्रॉफिट तो आ गया, बिजनेस हमने किया, प्रॉफिट भी आ गया। अब प्रॉफिट आया मान लीजिए 10,000 रुपया, एक एग्जांपल, प्रॉफिट आया कितना 10,000 रुपया, और पार्टनर कितने 4, दिख कितने रहे हैं 4। तो सवाल ये उठता है कि इस 10,000 को हमको इनके, इनके और इनके बीच में बांटना है, कैसे बांटें सर, कैसे बांटें सर। आपके सामने मैं ऑप्शन देता हूँ, कैपिटल कंट्रीब्यूशन के अनुसार, यानी जिसने जो कैपिटल लगाया उसके आधार पे बांट दीजिए, या फिर वर्किंग टाइम के आधार पे, जिसने जितना काम किया उसके आधार पे दे दीजिए, तीसरा इक्वल दे दीजिए, और चौथा, मैं यहाँ पे तीसरा यहाँ लिख दे रहा हूँ, इक्वल बांट दीजिए, और चौथा आप इनको पार्टनरशिप डीड के अनुसार बांट दीजिए या एग्रीमेंट के अनुसार बांट दीजिए। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। क्योंकि पिछले आधे घंटे से मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि भैया जो भी कुछ होगा वो एग्रीमेंट के अनुसार होगा, यानी किसी भी पार्टनर को, इवन अगर आप अपना नया पार्टनर भी बनाना चाहते हैं, या कोई भी पार्टनर फर्म को छोड़कर जाना भी चाहता है, या किसी भी पार्टनर की डेथ हो गई, या फर्म को ही हमको अगर बंद करना है, तो उसके लिए किसकी, आप किसका मुंह देखेंगे, आप एग्रीमेंट का देखेंगे। यानी जो टर्म्स और कंडीशन आपने डिसाइड कर रखा है पहले, उसी के अकॉर्डिंग आप अपने बिजनेस को क्या करेंगे, चलाएंगे। यानी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले टर्म्स और कंडीशन बहुत ध्यान से आप लोगों को क्या कर लेनी है, बना लेनी है। यानी ऐसा ना हो कि गलत सलत टर्म्स और कंडीशन बनाएं आप, और आप बाद में उसको झेलें। ठीक है,
अब आप कहोगे कि सर एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए रिटर्न पार्टनरशिप डीड है, मेरा एक सवाल है, रिटर्न पार्टनरशिप डीड है तो उसके लिए तो सब कुछ क्लियर है, कुछ उसमें तो कोई डाउट नहीं है, बट इन केस ऑफ द ओरल पार्टनरशिप, इन केस ऑफ द ओरल पार्टनरशिप डीड, हम प्रॉफिट को फिर कैसे बांटेंगे? और अब आप कहोगे कि सर जो डिसाइड हुआ था उसी के अनुसार बांट देंगे, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन सपोज करो कि लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, मार हो गई, खून खच्चर हो गया, तो कैसे बांटें सर? क्या ऑप्शन है हमारे पास सर? फिर क्या कैपिटल कंट्रीब्यूशन आएगा? फिर क्या वर्किंग टाइम आएगा? एग्रीमेंट तो सर है ही नहीं, तो क्या सर इक्वल बांट देंगे? इसका आंसर है हाँ। पहले लिखिए, आप लोग लिखिए, हेडिंग डालिए, एग्रीमेंट टू शेयर द प्रॉफिट, एग्रीमेंट टू शेयर द प्रॉफिट, लिखेंगे शेयरिंग प्रॉफिट, शेयरिंग प्रॉफिट इज एसेंशियल फीचर ऑफ पार्टनरशिप, शेयरिंग प्रॉफिट इज एसेंशियल फीचर ऑफ पार्टनरशिप। एसेंशियल फीचर ऑफ पार्टनरशिप, देयर कैन नो पार्टनरशिप, देयर कैन नो पार्टनरशिप वेयर ओनली वन ऑफ द पार्टनर, देयर कैन बी नो पार्टनरशिप वेयर ओनली वन ऑफ द पार्टनर, ओनली वन ऑफ द पार्टनर इज अ इंटाइटल्ड, इज अ इंटाइटल्ड टू द होल ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, होल ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। इंटाइटल्ड का मतलब जानते हो क्या होता है? इंटाइटल्ड का मतलब राइट होता है। इसका अगर दूसरा वर्जन पूछें तो इसको हम लोग राइट भी कहते हैं, ठीक है, फुल स्टॉप। पार्टनर मस्ट एग्री टू शेयर द प्रॉफिट, हाँ, पार्टनर मस्ट एग्री टू शेयर द प्रॉफिट इन एनी मैनर दे चूज, इन एनी मैनर दे चूज, पार्टनर मस्ट एग्री टू शेयर द प्रॉफिट इन एनी मैनर दे चूज। ठीक, इज दैट क्लियर? यानी अगर पार्टनरशिप है, एग्रीमेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग आप बांटिए, और अगर नहीं है तो फिर जैसे मन कहे वैसे बांटिए। अब स्टार दे के लिखिए, स्टार दे के लिखिए, इफ नो प्रोविजन ऑफ एनी एग्रीमेंट, इफ स्टार दे के लिखेंगे, नो प्रोविजन ऑफ एनी एग्रीमेंट रिलेटिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब है कि सर कोई प्रोविजन है नहीं है पार्टनरशिप डीड को लेकर, पार्टनरशिप डीड में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट को लेकर, है ना? तो फिर लिखिए, डैश दे के लिखिए, इन दैट केस द प्रॉफिट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर, द प्रॉफिट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर, द प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर इक्वली, इक्वली। क्लियर हो गया बेटा? क्लियर हो गया? चलो अब देखिए कुछ एग्जाम्पल हैं, इनको भी हम बात करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए प्रॉफिट की बात तो हम बार बार कर रहे हैं, लॉस का क्या करें? लॉस का क्या करें है? लॉस को छोड़ दिया जाए क्या? भैया एक बात बताओ, अगर आप प्रॉफिट जिस रेशियो से ले रहे हो, लॉस क्या लेने कोई और आएगा क्या? लॉस का भी तो रेशियो वही होगा ना जो आपके प्रॉफिट का रेशियो है, तो इसी वजह से उस रेशियो को हम कहते हैं प्रॉफिट लॉस
शेयरिंग रेशियो, सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं कहते, क्या कहते हैं, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो कहा जाता है. इट्स मीन प्रॉफिट एज वेल एज लॉस, द रेशियो इन दिस रेशियो इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड. पॉइंट क्लियर हो गया बेटा. चलिए अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. देखिए पहला एग्जाम्पल देखिए, कहता है को ऑनर. हु इज द को ऑनर? को ऑनर क्या होता है भाई? पार्टनर इज नॉट अ को ऑनर. कान खोल के दोनों सुनिए, दोनों कान खोल के सुनिए. इफ यू आर द को ऑनर, यू आर नॉट अ पार्टनर. एंड इफ यू से आई एम द पार्टनर, देन यू आर नॉट अ को ऑनर. अरे ये क्या है सर, मतलब क्या है सर इसका? देखिए मतलब ये है, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति हैं जिनके दो बच्चे हैं, जिनके क्या हैं, दो बच्चे हैं, और इस व्यक्ति ने एक घर बनवाया. अब घर बनवाने के बाद इस व्यक्ति की क्या हो गई, डेथ हो गई. तो अब इस घर का मालिक कौन भैया? ये दो बच्चे हैं, यही इस घर के मालिक. तो इस केस में आप इनको को ऑनर कहेंगे, नॉट अ पार्टनर कहेंगे, बिकॉज आपने एसेंशियल पढ़ा है. और एसेंशियल में आपने ये पढ़ा है कि दूसरा एलिमेंट क्या था हमारा, एग्रीमेंट ना. क्या इनके बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ है? तो फिर आप कैसे कह सकते हो को ऑनर इज द पार्टनर? हाँ कैसे कह सकते हो को ऑनर इज अ पार्टनर? सोचो पहले फिर जवाब दीजिए. पढ़िए, तो को ऑनर इज अ नॉट अ पार्टनर, कान खोल के सुन लीजिए, ठीक है, दोबारा नहीं बताऊंगा. पढ़िए क्या लिखा है, कि को ऑनर हु शेयर अमंग देमसेल्फ द रेंट डिराइव्ड फ्रॉम द पीस ऑफ द लैंड आर नॉट अ पार्टनर बिकॉज देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी बिजनेस. और दूसरी बड़ी बात, इनके बीच में कोई एग्रीमेंट भी नहीं है. ठीक है, समझ में आ गया, आगे बढ़ेंगे. फिर अगला एग्जाम्पल देखिए, कहता है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन और अ क्लब में नॉट प्लूटेड इन द पार्टनरशिप. मतलब जो चैरिटेबल होते हैं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन होते हैं, या कोई क्लब होता है. क्लब क्या होता है? क्लब का मतलब ये मत सोचिएगा कि खाली ताश खेलने वाली जगह. क्लब का मतलब फॉर स्पोर्ट्स एक्टिविटी. अब स्पोर्ट्स एक्टिविटी में ताश नहीं आता है, जान लीजिए आप सभी लोग. स्पोर्ट्स एक्टिविटी का मतलब होता है फिजिकल एक्टिविटी जहाँ पे इन्वॉल्व हो. ताश खेलने में कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है, खाली हाथ ऐसे ऐसे कचर कचर करा जाता, पीसा जाता है ना. कुछ लोग, कितने लोग ताश खेलते हो घर पे? नहीं बताऊंगा, बता दो. चलिए कोई बात नहीं, ठीक है. तो क्लब या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशनल, ऐसा इंस्टीट्यूशनल जो चैरिटेबल है, पहली बात तो वो आपका बिजनेस ही नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि चैरिटेबल हुआ या क्लब हुआ, इसका ऑब्जेक्टिव ही प्रॉफिट को कमाना नहीं होता है. होता है क्या? तो जब इसका प्रॉफिट, इसका ऑब्जेक्टिव ही प्रॉफिट कमाना नहीं होता, तो भैया ये बिजनेस कैसा? तो इसमें अगर कोई प्रॉफिट आ रहा है तो क्या आप उसको पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग बांटेंगे? आंसर है नहीं. जब तुम हमारे पार्टनर नहीं हो, जब तुम हमारे पार्टनरशिप में नहीं हो, तो फिर हम तुमको ये प्रोविज़न दें ही क्यों? समझ में आ गया. फिर अगला पॉइंट कहता है एक्स एंड वाई, पढ़िए ज़रा, तीसरा पढ़िए ज़रा ध्यान से. कहता है एक्स एंड वाई सर्टेन क्या है, बेल्स ऑफ द कॉटन विच दे एग्री टू सेल ऑन देयर ज्वाइंट अकाउंट and to the share profit equally. In this circumstances, X and Y are the partner in the respect of some cotton business. सही है कि नहीं है भाई? दो लोग मिले, उन्होंने कहा चलो यार वो रुई का गत्ता बेचेंगे, प्रॉफिट आएगा बांटेंगे. तो हाँ, आप कह सकते हो कि भैया आप यहाँ के पार्टनर हैं, और आप अपना जो प्रोविज़न बनाइए वो पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार उसको फॉलो किया जाएगा. इज दैट क्लियर बेटा? चलिए अब लास्ट एक्टिविटी देखेंगे, लास्ट एसेंशियल एलिमेंट देखेंगे, बिजनेस कैरीड बाई ऑल और एनी ऑफ एक्टिंग फॉर द ऑल. जल्दी से देखेंगे. देखिए
इसमें मैंने आपको जब डायग्राम बनाया था तो मैंने आपको बताया था कि भैया सारे लोग मिलकर चलाएंगे या फिर कोई एक व्यक्ति मिलकर अपने बिजनेस को क्या करेगा, आपका चलाएगा। और कोई एक व्यक्ति अगर बिजनेस को चला रहा है तो बताइए, एक बात बताइए, क्या वो अन्य पार्टनर्स का कंसेंट लेगा कि नहीं लेगा? हाँ ना में जवाब दीजिए। अन्य पार्टनर का कंसेंट लेगा कि नहीं लेगा? जैसे सपोज करिए कि तीन पार्टनर थे, राम, श्याम, मोहन, ठीक है, और टाइमिंग था कि भैया सुबह 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे। तीनों आए, काम किए, घर चले गए। एक तीसरा वाला व्यक्ति सोहन, थोड़ा साढ़ा, वो रात के 10 बजे भी आ जाता दुकान खोलने बिना दोनों की परमिशन के। तो ज़रा बताइए, क्या ये जो काम किया जा रहा है सोहन के द्वारा, ये अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड है क्या? भाई जब तक आप कंसर्न नहीं लिए तब तक फिर कैसे, तब तो आप हमारे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को कर रहे हो ना, तब तक तो आप ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। पर इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है, ध्यान दीजिएगा, जो पार्टनर होते हैं, जो आपके क्या होते हैं बेटा, पार्टनर होते हैं, वो एक ही समय में प्रिंसिपल भी होते हैं, एक ही समय में क्या होते हैं, प्रिंसिपल भी होते हैं, और एक ही समय में वो दूसरे पार्टनर के क्या होते हैं, एजेंट भी होते हैं। आपसे एक नंबर का सवाल भी यहाँ पे पूछा जाएगा कि पार्टनर इज द प्रिंसिपल एज वेल एज आगे डैश, तो आप क्या लिखेंगे, एजेंट। अब आप कहोगे सर एजेंट कैसे, हम तो मालिक हैं, हम कहाँ किसी के नौकर हैं। एजेंट इज नॉट अ नौकर यार, एजेंट इज नॉट अ नौकर। हाँ नौकर वाला काम करता है लेकिन वो नौकर नहीं होता। एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए तीन लोग थे, 1 2 3, ये दोनों चले गए हनीमून पे, ठीक है, कहाँ चले गए, हनीमून पे। अरे अलग अलग गए हैं यार, इकट्ठे नहीं गए हैं। अब बचा कौन, ये जिसकी शादी नहीं हुई है। तो अब ये दुकान खोलेगा कि बंद कर देगा, खोलेगा। भले अलग बात है कि उसके मन में कुछ और चल रहा हो कि मेरी भी शादी होती तो मैं भी जाता, लेकिन अभी समय है। तो एक बात बताइए, ये कंसर्ट इन दोनों का लेकर बैठा होगा ना, तो अगर इसके कर कुछ काम करने से अगर प्रॉफिट हुआ तो वो प्रॉफिट किसका होगा, इसका अकेले का होगा या बाकी उन तीनों का होगा, तीनों का होगा। यानी ये जो तीसरा पार्टनर अभी दुकान में बैठा है, ये आपका एक समय में प्रिंसिपल भी है और वो एजेंट भी है उन लोगों का जो लोग कहाँ गए हैं, झींगा लाला करने, ठीक है, यानी हनीमून मनाने। समझ में आ गया, यानी प्रिंसिपल इज द एजेंट एज वेल एज द पार्टनर। बातें समझ में आ गई, एक लिखिए जरा लाइन, लिखिए यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिए, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिख लीजिए। हाँ जी लिखेंगे, द बिजनेस मस्ट, लिखिए द बिजनेस मस्ट, द बिजनेस मस्ट कैरीड बाई, कैरीड बाई ऑल द पार्टनर, कैरीड बाई ऑल द पार्टनर और बाई एनी वन, और एनी वन ओ आर और मोर द पार्टनर एक्टिंग फॉर ऑल, मोर द पार्टनर एक्टिंग फॉर ऑल। एक्टिंग फॉर ऑल फुल स्टॉप। दिस इज द एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप लॉ। दिस इज द एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप लॉ। और स्टार दे के लिखेंगे, देयर शुड बी बाइंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द म्यूचुअल एजेंसी बिटवीन द पार्टनर, देयर शुड बी द बाइंडिंग
contract of the mutual agency between the partner. फिर अगला स्टार दीजिए. अ पार्टनर इज अ प्रिंसिपल. अ पार्टनर इज अ प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट फॉर ऑल अदर पार्टनर. एजेंट फॉर ऑल अदर पार्टनर. अगला स्टार दीजिए. इट मे बी नोटेड दैट the true trust of partnership is mutual agency rather than sharing of the profit. Mutual agency rather than sharing of the profit. इस आखिरी लाइन का मतलब ये होता है कि पार्टनरशिप वास्तव में क्या है आपका? म्यूचुअल एजेंसी होती है. वास्तव में क्या होती है आपकी? म्यूचुअल एजेंसी होती है. म्यूचुअल एजेंसी का मतलब भाई जब तक मन करेगा तब तक साथ में पार्टनर रहेंगे, जब मन नहीं करेगा अलग अलग हो जाएंगे. म्यूचुअल एजेंसी ऑफ अ पार्टनर नॉट अ शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट. मतलब सिर्फ हम यहाँ पे प्रॉफिट को शेयर करने के लिए नहीं बैठे हैं, बल्कि हम अगर कोई लॉस भी हो जाएगा तो उसके लिए भी हम यहाँ पे बैठे हैं. एक पार्टनर ने अगर कोई काम किया, उस काम की वजह से अगर कोई लॉस हो गया, जैसे आप लोगों ने पहले पैराग्राफ में आखिरी लाइन लिखा है कि देयर शुड बी द बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी बिटवीन द पार्टनर, तो इसका मतलब ये होता है कि भाई अगर किसी पार्टनर की वजह से कोई गलती हो गई और उस गलती की वजह से लॉस हो गया तो उस लॉस को बाकी अन्य पार्टनर भी बॉर्न करेंगे. ऐसा नहीं कि खाली जिसने लॉस किया वही बॉर्न करेगा. जितने भी पार्टनर हैं वो सब अपने अकॉर्डिंग क्या करेंगे, उसको बॉर्न करेंगे, एज पर द पार्टनरशिप डीड बॉर्न करेंगे. इज दैट क्लियर? इसी वजह से इनको पार्टनर और दूसरे का एजेंट भी कहा जाता है. इज दैट क्लियर बेटा? तो आज आप लोगों ने अभी तक क्या क्या देखा, आपने अभी तक पार्टनरशिप मीनिंग को समझा और साथ ही साथ आप लोगों ने एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द पार्टनरशिप को समझा. तो एक बार जल्दी से उन 5 एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप को याद कर लेंगे. पहला क्या था हमारा? 2 or more partner. दूसरा क्या था आपका? एग्रीमेंट. तीसरा क्या था हमारा? बिजनेस. चौथा क्या था हमारा? शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट. पांचवा और लास्ट क्या था? बिजनेस कैरीड बाई ऑल और फिर एक्टिंग फॉर द ऑल. तो दिस इज द 5 एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. कोई डाउट है इसमें? आगे देखेंगे. तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हेडिंग डालिए जरा सभी लोग. देखिए आपको मैंने एक शब्द लिखवाया था, अगर आपको याद हो डायग्राम में, तो डायग्राम में मैंने बताया था कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज आल्सो नोन एज द पार्टनरशिप डीड. लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था? लिखवाया था मैंने ना. चलिए फिर आगे बढ़ेंगे हम. भैया जाइए जाइए, विपुल सर को बुलाइए, जरा बुलाइए. अगला हेडिंग क्या है हमारा?
चलो अगला हेडिंग देखेंगे बेटा, अगला हेडिंग हमारा क्या है जल्दी से देखेंगे। कहता है ट्रू ट्रस्ट ऑफ द पार्टनरशिप, ट्रू ट्रस्ट ऑफ द पार्टनरशिप लिखेंगे जरा आप हेडिंग डालिए सभी लोग। अब इसमें देखिए सबसे पहला आपका क्या है, मोड ऑफ डिटरमाइनिंग एग्जिस्टेंस ऑफ द पार्टनरशिप, सेक्शन 6 के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। फिर उसके बाद चलो इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। हेडिंग डाल दीजिए, हेडिंग डाल दीजिए, कल इसको पढ़ेंगे। पहला पोर्शन तो हमारा कंप्लीट हो गया है और आई होप कल आपका ये खत्म हो जाए। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ कल खत्म हो जाएगा आपका ये यूनिट, ठीक है बस एक सेकेंड। तो क्लास कैसी लगी इसके बारे में आप अपना ज़रूर फीडबैक दीजिए, और फीडबैक देने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा जो आपका अकाउंट का पोर्शन चल रहा है आप उसको भी पढ़ सकते हैं। इसके लिए आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाइए, विजिट करिए अकाउंटिंग गुरु चैनल या ऐप के माध्यम से आप ये सब चीज़ें पढ़ सकते हैं। कोई भी समस्या रहे तो आप नीचे दिए गए नंबर पर डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं। बाकी आप सभी अपना ख्याल रखिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। जय भोलेनाथ।